विश्वग्राम एनजीओ जो कि गुजरात की रजिस्टर्ड एनजीओ है, इन्होंने पहले भी जेएनके में काफ़ी अच्छा काम किया है स्कूल एजुकेशन में। ये तमाम स्कूलों को विजिट करते हैं, मैंने इनका काम पहले स्टडी किया, उसके बाद हमारी आपस में बातचीत हुई और इन्होंने वॉलंटियर किया अपनी एक पूरी 50 लोगों की टीम को। ये 2 हफ्ते के लिए डोडा लेके आए हैं और एक ही मकसद है कि बच्चों से एक तो जो एक सोशल इंटीग्रेशन होता है, देश का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर नहीं गए हैं आज तक, वो हमारे अतिथियों से मिलें और समझें कि देश की सभ्यता क्या है। दूसरा मकसद है कि उनकी एजुकेशन को रिव्यू करना कि क्या हमारा एजुकेशनल सेटअप ठीक चल रहा है, कुछ उसमें कमियां हैं, कुछ एडवांसमेंट्स हैं, कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत है, देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि एनजीओ देश दुनिया के हर जगह में काम करती रहती है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें पता चलेगा और इनके थ्रू जो 2 हफ्ते की इनकी स्टडी रहेगी उसके थ्रू हम एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा रहेगा जो हमारे गांव हैं उनकी साफ सफाई सुधार, रहने का ढंग, जो अगर कुछ कोई प्रावधान बदलने हैं, कोई चीज़ें करनी है, जैसा अभी संजय जी ने बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें बच्चों को वेस्ट प्रोडक्ट से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे RDD डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो हमारा सूखा कचरा होता है या फिर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिसाइकल करके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना और मार्केट्स में लॉन्च करना, और इसमें लीड अगर हमारे बच्चे लेंगे तो जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो हमने शुरुआत की है, मुझे लगता है इसके रिजल्ट्स आपको आगे के लोगों से प्यार करना चाहते हैं और ये हमारा प्यार करने का तरीका वो शिक्षा है, तो शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों से मिलेंगे, शिक्षकों से मिलेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को सुनेंगे, समझेंगे और अपनी बात रखेंगे। और शिक्षा में भी बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी लेके आए, आज जो मिसिंग है शिक्षा में वो क्रिएशन है, तो हमारी कोशिश है कि बच्चे जैसे पेपर बैग बनाएगा उनको प्लास्टिक बैग का विकल्प भी मिल सकता है, तो पपेट, म्यूजिक, ओरिगामी, रोबोटिक्स, बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी बच्चों के साथ करवाएंगे, उनसे भी बातें करेंगे, तो ये हमारा मोटा मोटा मकसद रहा है।